बताएंगे कि प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ के सिम्टम्स कौन से होते हैं। जैसे ही आप अपना फर्स्ट ट्रेमेस्टर फिनिश करके अपने सेकेंड ट्रेमेस्टर की शुरुआत के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती हैं, आप नोटिस करेंगी कि बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आपकी बॉडी के साथ हो रहे होते हैं। तो आइए उन सभी के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि फोर्थ मंथ के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। फिजिकल और इमोशनल चेंजेस लगातार होते रहेंगे और इन सब के साथ आप लो एनर्जेटिक भी रहेंगे। जैसे ही आप अपने फोर्थ मंथ में एंटर करेंगे तो आप इन सब सिम्टम्स को महसूस करेंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बढ़ते हुए यूट्रस के साथ आपका बेबी वूम्ब में अपनी जगह बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जिसका असर आपके ब्लैडर पर पड़ता है और आपको यूरिनेट बार बार पास करना पड़ता है और इसकी अर्जेंसी आपको फील होती है, इसलिए आपको बार बार वॉशरूम के टिप्स भी लगाने पड़ते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपका बढ़ता हुआ एब्डोमेन आपके लंग्स पर भी प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग करने में भी आपको डिफिकल्टी महसूस होती है। बिना थकावट वाले काम करने पर भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा तकलीफ दे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं। कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो वर्क करने लग जाता है और इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी हो सकती है। ज्यादा फाइबर वाला फूड खाएं और अगर प्रॉब्लम सीवियर हो तो आप अपने डॉक्टर से प्रेगनेंसी सेफ लेक्सटिव के बारे में बात कर सकते हैं। स्किन चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके फेस पर पिगमेंटेशन हो सकती है। आपके निप्पल का डार्क एरिया, जिसे हम एरियोला कहते हैं, वो पहले से और भी ज्यादा डार्क हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपके ब्रेस्ट की वेन्स भी ज्यादा विजिबल हो जाएंगी, आपके लेग्स पर भी वेरिकोज वेन्स दिख सकते हैं। हार्टबर्न की शिकायत लगभग सब प्रेग्नेंट लेडीज को होती है, क्योंकि उनका डाइजेशन प्रोसेस काफी स्लो हो चुका होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप खूब सारा पानी पिए और थोड़े थोड़े टाइम बाद स्मॉल मील्स पिए। हर मील के बाद कुछ मिनट्स वॉक भी जरूर करें। एपेटाइट गेट्स बेटर। जैसे कि फर्स्ट ट्रेमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस की वजह से आपका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, अब बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। अब आपकी एपेटाइट पहले से बेटर हो जाएगी और आपका बहुत कुछ खाने का मन भी करेगा। ब्लीडिंग ऑफ गम्स और नोज, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके टीथ और गम्स में बहुत सेंसिटिविटी आ जाएगी। कई बार ब्रश करते टाइम आपके गम्स में से ब्लीडिंग भी हो सकती है। घबराए नहीं और एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाए। ये टेम्परेरी कंडीशन है और प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगी। नोज से ब्लड आने पर भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नौजिया रिड्यूसेस, नौजिया और वॉमिट की फीलिंग बहुत कम या फिर बिल्कुल ही नहीं रहेगी, जैसे ही आप अपने फोर्थ मंथ से आगे बढ़ेंगे। नेजल कंजेशन, हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही आपको नेजल कंजेशन या कोल्ड कफ होए तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। वजाइनल डिस्चार्ज, हार्मोनल चेंजेस की वजह से व्हाइट वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी समझ ना आए या फिर आप कुछ स्ट्रेंज नोटिस करें तो अपने डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। राउंड लिगामेंट पेन, ये एक स्लाइट पेन है जो आपके एब्डोमेन और थाई के बीच में हो सकता है। जब भी आप अपना पोस्चर चेंज करेंगे, जैसे कि उठना बैठना या फिर बेड पर टर्न लेना, किसी भी पोजीशन को चेंज करते टाइम हो सकता है। अल्ट्रासाउंड, फीटस की डेवलपमेंट का ट्रैक रखने के लिए आपकी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड कर सकती है। फिजिकल चेकअप, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपका एब्डोमेन, वजाइना और ब्रेस्ट चेक करेंगी, ताकि वो ये जान सके कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और नॉर्मल है। ईडिमा टेस्ट, प्रेगनेंसी के दौरान फीट, लेग्स और एंकल पर स्वेलिंग होना बहुत कॉमन है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल स्वेलिंग है तो ब्लड क्लॉट, प्री एक्लैम्प्सिया और जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। फीटल हार्ट बीट, आपके डॉक्टर एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंड करेंगी, जिससे वो बढ़ते हुए बेबी का हार्ट रेट ट्रैक कर सकती हैं। अपना खान पान का बहुत ध्यान रखें। हेल्दी खाने और पीने के साथ साथ आप प्री नेचुरल विटामिन भी जरूर लें, जो आपकी डॉक्टर ने आपको बोले होंगे।
अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही, और अगर वो कहें कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और हेल्दी है, तो आप एक्सरसाइज योगा जरूर करें, भरपूर नींद का आनंद लें, अपनी बॉडी को एक्सर्ट ना करें। अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स भी कर सकती हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग और कैफीन से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि इससे बेबी का हार्ट रेट बढ़ सकता है। हॉट टब या सोना में ना बात ले, बिकॉज इससे आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बाहर का अनहेल्दी खाना बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपका हेडेक या फिर एब्डोमिनल पेन अनकंट्रोलेबल हो, अगर आपने नोटिस किया हो कि ब्लीडिंग बिल्कुल आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह हो रही है, आपका वाटर ब्रेक हो गया हो, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि नौजिया और वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही है, अगर इंटरकोर्स के बाद आपको ब्लीडिंग हुई है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको ऐसे ही एक्सपर्ट एडवाइजेस चाहिए तो हमारे माइलो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और अगर आपको चाहिए ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन जो आपकी मदद करे, तो आज ही डाउनलोड करें माइलो ऐप।